हेलो एवरीवन, आयल लुब्रिकेशन बीएमसी का जो आपका बीएमसी का लुब्रिकेशन चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, इसके पहले जो है क्या कहते हैं कि की वाले जो सिस्टम ख़त्म हो चुके थे, अब ये आप कल है ठीक। देखिए सबसे पहले बात करेंगे लुब्रिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद लुब्रिकेंट की बात करेंगे और टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट के, ठीक ना। सबसे पहले बात करेंगे सर लुब्रिकेशन क्या होता है, ठीक। देखिए जब कोई भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है, ठीक, ये बॉडी फर्स्ट मान लेते हैं, ये बॉडी सेकंड मान लेते हैं। जब कोई भी दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो उनके मध्य में क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक। और ये फ्रिक्शन क्या करता है, उन पार्ट्सों के मध्य में एक घिसावट उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या होते हैं कि पार्ट्स घिस जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, ठीक। तो हम चाहते हैं कि ये घिसावट ना हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लुब्रिकेशन, ठीक। लुब्रिकेशन क्या होता है कि इन दोनों परतों के मध्य एक ऐसा सहायता से इन दोनों के घिसावट को एकदम कम कर दिया जाता है, ठीक। तो उसे हम कहते हैं लुब्रिकेशन, और जिसके द्वारा ये किया जाता है उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। उसको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट, ठीक, स्नेहक, और इसको बोलते हैं स्नेहन। दो बातें हैं, पहली बात कि सब लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है। देखिए कहीं पे भी जहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा हो, ठीक। देखिए फ्रिक्शन जो है दो कारण से आता है, एक मोशन हो उसमें गति होना ज़रूरी है, ठीक। अगर पिंड में गति है तो फ्रिक्शन है, ठीक, और घिसावट तभी होगी। अगर दोनों पिंड एक दूसरे में से चपके हुए हैं तो घिसावट नहीं होगी, ठीक। फ्रिक्शन वहाँ भी काम करता है, वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन वहाँ पर क्या कहते हैं कि घिसावट नहीं होती है, ठीक। तो जहाँ पे मोशन होगा वहाँ पे घिसावट होगी, और जहाँ पे घिसावट होगी वहाँ पे हमें घिसावट को रोकने के लिए, अपने पार्ट्स को बचाने के लिए कोई अन्य मटेरियल का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, लुब्रिकेंट, ठीक। और ये पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, लुब्रिकेशन। समझ में आया, यानी कि लुब्रिकेशन क्या है, लुब्रिकेशन केवल एक परिभाषा है, डिफिनेशन है, ठीक। इसे क्या है, केवल परिभाषा है, जबकि लुब्रिकेंट जो है वास्तविकता में कोई चीज़ है, ठीक। यह कोई तेल हो सकता है, अभी बताएंगे कितने टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं, तो उसमें भी हम बताएंगे कि ये प्रकार के जितने जितने लुब्रिकेंट हैं वो सब प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। अब दूसरी बात आती है कि लुब्रिकेशन सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। शुष्क हौदी, आर्द्र हौदी, ड्राई सम्प, इसको ड्राई सम्प भी बोलते हैं, ठीक। और दूसरी बात, ये मिक्स्ड सम्प भी होता है, हमारे जो गाड़ी और गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े सिस्टमों में इस्तेमाल होता है, वहाँ पर ये सब लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे लुब्रिकेशन की, ठीक। तो लुब्रिकेशन की बात करने से पहले दो लाइन आप लोग लिख लीजिए कि लुब्रिकेशन क्या है, ठीक। लुब्रिकेशन लिख लीजिए कि लुब्रिकेशन हेडिंग डाल के लिखिए, लुब्रिकेशन हेडिंग हो गया। अब आगे लिखिए उसके, कोई दो ऐसे परत जिनके मध्य में फ्रिक्शन हो और घिसावट उत्पन्न हो, तो इस घिसावट को रोकने के लिए हम उन दोनों परतों के मध्य में एक अन्य पदार्थ भरकर दोनों में अलग अलग परत का निर्माण कर देते हैं, तो इस क्रिया को लुब्रिकेशन कहा जाता है, एवं जिस पदार्थ की सहायता से किया जाता है उसे लुब्रिकेंट कहा जाता है। अब लुब्रिकेशन को हिंदी में स्नेहन कहते हैं और लुब्रिकेंट को स्नेहक कहते हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, स्नेहन और स्नेहक क्या है, ठीक ना। अब बात करें कि सर लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है, ठीक। देखिए लुब्रिकेंट जो होता है आपका, वही जो पदार्थ जिसकी सहायता से करते हैं, ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए एक और होता है दूसरा, सेमी सॉलिड, इसे सेमी सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है दूसरे वाले को, ठीक। क्या क्या है ये, अगर आप लोग लिखना चाहते लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, पहला सॉलिड, दूसरा सेमी सॉलिड,
तीसरा लिक्विड, चौथा गैस। ठीक, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड वाले को कहाँ देखें, जो ग्रेफाइट होता है, ठीक, ग्रेफाइट को परतों के मध्य में हम भर देते हैं, तो क्या होता है, ग्रेफाइट दोनों तरफ से घिसता है, इधर भी ग्रेफाइट उधर भी ग्रेफाइट, अगर ग्रेफाइट के बीच में परत आ गई तो जब फ्रिक्शन होगा तो ग्रेफाइट क्या करेगा, अपने परतों को घिसने देगा, लेकिन क्या कहते हैं, खुद घिस जाएगा, लेकिन उन जो मतलब दो भाग हैं उनको नहीं घिसने देगा। ठीक, तो इस प्रकार से ग्रेफाइट क्या करता है, लुब्रिकेंट का क्या काम करता है। सेमी सॉलिड में आपका जो ग्रीस हो गया, ग्रीस को देखिए, ग्रीस हम लोग देखते हैं तो ग्रीस में आप देखिएगा कि एक ऐसा वो होता है कि हम उसको छुएंगे तो जैसे कि कोई घी होता है, घी की तरह वो लगता है। ठीक, तो घी की तरह लगता है, मतलब क्या है कि अगर उसको हम जमा दें, ठीक, तो वो दो तरह के प्रॉपर्टीज़ को लिए रहता है। ठीक, एक प्रॉपर्टीज़ जो आप देख रहे हैं सामान्य तौर पर, वो प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, बहने के गुणों, उसको भी विस्कोसिटी कहते हैं, अभी हम बताएंगे, ठीक ना। तो सेमी सॉलिड का वही मतलब कि वो एक जगह पे ही रहता है, जैसे सॉलिड रहते हैं उसी की तरह वो भी रहता है, वो बहता नहीं है, ठीक ना, तो उसे हम सेमी सॉलिड की प्रॉपर्टी कह देते हैं। और तीसरी आप देख रहे हैं लिक्विड, ठीक, तो लिक्विड जान रहे हैं, मोबिल ऑयल जो हो गया, ठीक, या कोई भी तेल हो गया जो हम साइकिल में डालते हैं, वो लुब्रिकेंट। ठीक, और गैस देखिए, चौथा गैस भी होता है, ठीक ना, और कई गैसेस हैं, हीलियम वगैरह हैं, जिनके प्रयोग से हम क्या करते हैं कि वो लुब्रिकेंट को लुब्रिकेंट क्रिया करते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं आप ठोस वाले में, ठोस क्रिया द्वारा होता है, इसमें ग्रेफाइट होता है, तरल वाले में लिख सकते हैं ग्रीस होता है, लिक्विड वाले में आप लिख सकते हैं मोबिल ऑयल, गैस वाले में लिख सकते हैं हीलियम वगैरह का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, बीच में हीलियम गैस भर देते हैं, तो दोनों तरफ से क्या होता है कि वो अपनी एक परत बनाया रहता है, जिससे कि वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करते जल्दी। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि ये लुब्रिकेंट को ऐसे हम पढ़ लें। ठीक, अब ये तो लुब्रिकेंट के बारे में हो गया आपका, ठीक ना, लुब्रिकेंट को लिख लीजिएगा, वही जो पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट। अब ये जो मतलब बताए हैं आपको चार पॉइंट, ये चारों क्रियाएं, ठीक, अरे चारों जो टाइप बताए हैं, कभी कभी आता है कि लुब्रिकेशन समझाइए, लुब्रिकेशन को समझाते हुए लुब्रिकेंट के टाइप को बताइए। ठीक, तो लुब्रिकेशन को समझाना है आपको ये चीज़, फिर उसके बाद लुब्रिकेंट हेडिंग डाल करके वो चारों चीज़ को आपको बताना है। ठीक, अब एक चीज़ आता है प्रॉपर्टीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है आपका प्रॉपर्टीज़। ठीक, देखिए प्रॉपर्टीज़ जो है वो लगभग लुब्रिकेंट में जो सवाल बनते हैं 50-60% चांसेस रहते हैं। देखिए दो सवाल बनते हैं इसमें, या तो सिस्टम से बनेगा कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज से बनेगा। यही दो जगह से सवाल बनता है, या तो आप लुब्रिकेंट से बताइए या प्रॉपर्टी से बताइए, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं प्रॉपर्टी से ही सवाल उठता है। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है आइए उसको भी जान लेंगे। ठीक, तो चलिए पहले ऐसा करिएगा कि ये मतलब जितना हम बता दिए हैं आज इसको कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे हम प्रॉपर्टीज़ को भी बता देंगे, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा यही लास्ट चैप्टर चल ही रहा है आपका, छोटे छोटे 3-4 वीडियो दे देंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी और ख़त्म हो जाए आसानी से। ठीक, और जितना पिछला पढ़ा चुके हैं उसको कवर कर लीजिएगा, और बाकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे जो हम आपको लास्ट में बता देंगे, मेन क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको ज़रूर पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में रहती है। ठीक, प्रोबेबिलिटी के आधार पर भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको, तब अब जब मतलब नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पहले भी कई बार बता चुके हैं प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में, लेकिन यहाँ की जो लुब्रिकेंट होता है लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। ठीक, वास्तविक लुब्रिकेंट कैसा होना चाहिए, ठीक ना, तो चलिए ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग ये क्या कहते हैं कि लुब्रिकेंट वाला पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक है, ओके, सब लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके, थैंक यू।